यस। आप सभी का स्वागत है इस एक अद्भुत और एक ग्लोबल शो में, जिसमें ना बहुत सारे देशों के आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और लगभग 20 देशों के 51 आर्टिस्ट, पेंटर, डिजाइनर, स्कल्प्टर, ग्राफिक आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, एक छत के नीचे इस फेस टू फेस इंडिया पार्ट फर्स्ट के भागीदारी कलाकार। इस एग्जीबिशन की खास बात यह है कि इसका एक जो पर्टिकुलर एक जो टाइटल है, लव टू ऑल, लव टू आर्ट, इस शीर्षक को लेकर, इस टाइटल को लेकर हमने पूरी दुनिया के सारे अलग अलग ना आर्टिस्टों को, डिजाइनर्स को, मूर्तिकारों को इनको अपना आमंत्रित करा और इसमें पहले फेज में ना 20 देशों की भागीदारी हुई, जिनमें हम शुरुआत करते हैं कुछ खास भारतीय कलाकारों से। उदयपुर से अब्बास बाटली वाला, लोकल सब्जेक्ट के बेस पर है ना इनका सेमी फिगरेटिव सिंबॉलिकल वर्क है, चार्लोट फ्रॉम मलेशिया और बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट इम्पेस्टो टेक्निक में काम करती है ये, बहुत ही रंग बिरंगा इनका काम है। ये विकृति अब्बास जी की है। और दूसरे कलाकारों के बारे में हम बात करते हैं जिनमें किशन मीना जयपुर से, छाया चित्रकार होने के साथ में एक्सपेरिमेंटल फोटोग्राफर है और ना अपनी फोटोग्राफी के अंदर टेक्सचर को ना फोकसिंग करके काम करते हैं। शाहिद परवेज उदयपुर से, चाइल्डहुड मेमोरी और ना टेक्सचर पे बहुत ही अच्छी चीजें हैं, युवा कलाकार हैं और अपनी रंगों की इस एक्सपेरिमेंटल दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं। बीच की इस पोर्ट्रेट आर्ट वर्क की हम बात करते हैं। संसुरी अताम फ्रॉम मलेशिया, जो कि बहुत ही गजब के पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हैं और ना अपने स्टॉकिंग एंड ब्रश स्टॉक्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये हैं बहुत ही युवा अच्छे कलाकार विजेंद्र देवड़ा, जो कि उदयपुर से हैं और आर्ट प्योर के मेंबर हैं, जो रेगुलर इसमें वर्कआउट करते हैं। बात करते हैं हम स्कल्पचर की, तो उसके अंदर है ना रॉकेट सी, जो कि बहुत अच्छे मूर्तिकार हैं और है ना ग्रेनाइट्स और है ना अलग अलग मीडियम में काम करते हैं। और इनकी खास बात यह कि पब्लिक डिजाइनिंग में जो स्टोन सिंपोजियम होते हैं उनके अंदर भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। ऐसे ही एक और स्कल्पर हैं मिका बॉयल फ्रॉम रीयूनियन, दुनिया के नक्शे से बहुत छोटा सा देश है जिसका की अपना पूरा क्षेत्रफल ही 2-4 किलोमीटर में समा जाता है और वो लोकल रिसोर्सेस को इकट्ठा करते हैं और उनके द्वारा है समुद्र से निकाले हुए पत्थरों पर काम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन काम है कि मेरा काम जो मेरी मेन थीम को बेस है फेस टू फेस इंडिया, इसमें चेहरे पर चेहरे ना किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं और है ना उनकी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करिए और हमारे प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है। रानी मजीद फ्रॉम मलेशिया और एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट है और क्रिएटिव वर्कआउट करते हैं। शीरा फ्रॉम ईरान, ईरान एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे बंधन हैं और उनके साथ में वहाँ की कल्चर और उनकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उन्होंने अपने चित्रों में वहाँ की जो बाउंडनेस है, जो है ना महिलाओं पे जो है ना कॉम्पैक्टनेस है, जो उनको है ना एक सीमित दायरे से एक नई उड़ान की तरफ अब दुनिया में आ रही हैं और है ना अपनी आधुनिक दुनिया में जो खोज कर रही हैं, इसके बेस पर बहुत सुंदर काम किया है। दिलीप शर्मा फ्रॉम मुंबई, बेहतरीन सेरिग्राफी आर्टिस्ट और ग्राफिक आर्टिस्ट हैं और अभी इन दिनों में इस प्रदर्शनी की खास बात है कि उन्होंने वाटर कलर के अंदर काम किया है और अपनी सिंबॉलिकल स्टाइल और ट्रेडिशनल मोटिव्स को ना यूज करके एक नया काम पेश किया है। यूसुफ गाजा फ्रॉम मलेशिया, वेरी सीनियर आर्टिस्ट और वाटर कलर के एक अच्छे चित्रे जो कि ज्यादातर एलिफेंट और उनपे अपना काम करते हैं। इसी तरह से विनय
कासा फ्रॉम चेन्नई, और सिंबॉलिकल आर्टवर्क के साथ साथ ये डिफरेंट वर्कआउट करते हैं और इनका काम बहुत सुंदर है। सो एग्जीबिशन में एक साउथ इंडिया से हमारा एक बहुत ही अच्छा जुड़ाव हुआ इनके साथ में। नेक्स्ट आर्टिस्ट फ्रॉम जापान, बहुत ही एक्सपेरिमेंट और थीम बेसिस, जो कि एक नई ना हम चित्रकला के अंदर अपनी उड़ान भरते हैं और उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी अलग 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 प्रदर्शनी की विधाओं में चीजें बनाई गई हैं, उनमें से उदयपुर से और भी ना युवा चित्रकार हैं के साली हिंदू त्रिपाठी फ्रॉम दिल्ली। ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो ये शायद असली के फोटोग्राफ है और ना मॉरिशस से बहुत ही सुंदर है मदरवुडनेस और ना नेचर लव को ना प्रेरित करने वाली चीज बताई गई है। वो युवा कलाकार हैं श्रुति डेविड जो कि उदयपुर से ही हैं और इनके काम में खास बात है कि इन्होंने पोइम सिक्कों पे अपना आर्टवर्क किया है और अलग अलग मनोभावों को मातृत्व को पेश करने की कोशिश करी है। ये मदरवुडनेस कलर फ्रॉम पोले नेपाल, युगल शर्मा फ्रॉम इंडिया, सुरेश पादश्यप फ्रॉम जयपुर। ये स्पेशल एक्सपेरिमेंटल वर्क मेरे कला गुरु श्री गोपाल प्रसाद जी का है जो जयपुर के आर्ट कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं और वाटर कलर के बहुत ही गजब के चित्र हैं। लेकिन इस रेगुलर एक्टिविटीज से काफी दूर रहते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने अपना काम पेश किया है बड़ी है ना एग्जीबिशन के लिए। नेक्स्ट आर्टिस्ट अजय मिश्रा फ्रॉम जयपुर, पवन शर्मा ये भी है ना बहुत ही युवा कलाकार हैं और जयपुर से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से हेमंत द्विवेदी वन ऑफ द आर्ट एजुकेटिस्ट एंड एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट फ्रॉम उदयपुर राजस्थान, बहुत ही डिफरेंट आर्ट वर्क है, इनका काम करने का तरीका अलग है और है ना हमेशा नई खोज में नई सर्च आउट में रहते हैं। किरण मोडिया वेरी सीनियर आर्टिस्ट फ्रॉम उदयपुर राजस्थान और इनका काम भी है ना उदयपुर के जनजीवन, उदयपुर के लैंडस्केप, उदयपुर की जो प्राकृतिक छटा है उसको दिखाने की कोशिश करी गई है। ए जाकिर हादरी फ्रॉम मलेशिया, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ना आर्ट की बोर्ड के फाउंडर मेंबर्स में हैं, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ के और हमारे साथ में उनके कई एक्सचेंज प्रोग्राम इस तरह के चल रहे हैं आगामी समय में आने वाले हैं। हम ऑलरेडी इनके साथ में काम कर चुके हैं, माइंड स्केप हमारा आने वाला आगामी एक्सचेंज प्रोग्राम है जो कि दिसंबर में स्टार्ट होगा। और कुछ और आर्टिस्ट हैं युवा कलाकार, आकाश सोहेल उदयपुर से, मीना भया, भावना चौधरी फ्रॉम भोपाल, ये कुछ मूर्ति शिल्प हैं जो कि बहुत ही आधुनिकता पेश करते हैं, बहुत सुंदर है ना युवा कलाकारों के काम है। सुनील कुमावत जयपुर से, हरिराम कुमावत फ्रॉम जयपुर, हेरिटेज सीरीज को लेकर इन्होंने मेटल और स्टोन दोनों का एक अच्छा फ्यूजन करा है और इसमें बहुत सारे अलग अलग इनाम पर काम कर रहे हैं लोग। इसी तरह से साउथ कोरिया से भी हमें काम मिला है, अच्छे आर्टिस्ट हैं ये गिमोबी करके जिन्होंने अपना काम भेजा है और लैंडस्केप और वहाँ के माउंटेन को ना एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। दूसरा काम अशोक कुमार का है, ये दिल्ली से हैं और बहुत ही रंग बिरंगे चटक रंगों को लेकर अपनी मानवीय संवेदनाओं को, उड़ान को, किए न सपनों को अपने कैनवास पर रंग में भरने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से पियरो सानी फ्रॉम इटली, इनका काम भी बहुत डिफरेंट है। और संदीप मेघवाल युवा छापा चित्रकार उदयपुर से हैं ये और इनके काम में बड़ी ताजगी वगैरह डिफरेंट मोमेंट्स हैं और ये लगातार अपनी रिसर्च और टाइपल एंड आर्ट पर काम करते हैं। इसी तरह से एंटन फ्रॉम मलेशिया, ए रानी हादरी फ्रॉम अगेन मलेशिया, गैब्रिला वाटर कलर की बेहतरीन चित्रकार है मैक्सिको से, पहली बार हमारे क्वेश्चन की सुंदर कृतियां प्राप्त हुई है क्योंकि इस ग्लोबल शो का बहुत ही आकर्षण का काम है। और इसी तरह से आसनी
मॉरिशस के सीनियर आर्टिस्ट हैं और कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। उनके काम पर बहुत ही लोकल जो सेलिब्रेशन है, जो इवेंट है, उनको उन्होंने कंपोज करने की कोशिश करी। इसी तरह से उदयपुर के एक युवा छापा चित्रकार हैं, क्योंकि राकेश भट्ट, जिन्होंने बहुत ही मानवीय संवेदनाओं को लेकर कैसे एक इंसान की छवि अपग्रेड होती है, कैसे वो अपने उच्चतम स्तर पर न जाकर बनता है, उसी तरह से उनको सिंबॉलिकल भावनाओं से दिखाया गया। बहुत सुंदर छापा चित्रकार है और कई ऐसे आर्टवर्क है जिनमें अलग 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 टेक्निक को यूज करा गया है। इसी तरह से ये सबसे आतान का काम है। और स्कल्पचर सेक्शन में बहुत आए थे हमारे जूरी मेंबर एंजेल को भी ये आर्टवर्क मिला है। इसमें उन्होंने फेस टू फेस थीम को लेकर दो मेल फीमेल पोस्चर को प्राण पढ़ते हुए दिखाया गया है, जो पर्टिकुलर फ्रीडम को शो करता है। और उनकी भावना है कि ये सारा जो पार्ट है ग्लोबल एक्सचेंज वो पूरी दुनिया में फैले और उड़ान भरे, नई आकर्षण का केंद्र बने। इसी तरह से मलेशिया में रहकर काम कर रही है, बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम पे काम करने वाली महिला मूर्तिकार है कि नॉमी केंट, और रहने वाली जापान की है। और इनके काम में बड़ी मॉडर्निस्ट में है और उसके साथ साथ है ना अपने मीडियम के साथ प्ले करने का उनको बहुत बड़ा रोल है। इनका एक और इंस्टॉलेशन है जिसको आप देखते ही ना कि वो कलरफुल मूवमेंट और वाइब्रेशन है। इसके साथ साथ इन्होंने कैसे ना टेक्सचर्स को फैब्रिक को यूज करके डिफरेंट है ना पार्ट एंगल में ना है और उसके अंदर अलग अलग टेक्सचराइज करने की कोशिश करी। प्रस्तुत प्रदर्शनी फेस टू फेस इंडिया जो कि अपने चरण पे है, कल इसका उद्घाटन हुआ था। बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट इसराइल से टेड बार, जो कि फरारी डिजाइनर है और फैशन डिजाइनर है, मिलान न्यूयॉर्क में काफी उनके शो क्रिएट हो चुके हैं, वो कल उद्घाटन के खास मुख्य आकर्षण थे। उन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यहाँ बहुत सारे कला प्रेमी, कला विद्यार्थी, आर्ट लवर सारे लोग आए और उनका काफी अच्छा अनुभव होता, जिससे हमको एक नई चीज देखने को मिली। आगे भी चाहते हैं कि इस प्रदर्शनी का हिस्सा आगामी जो हमारा मेन इवेंट है जनवरी में उसमें चले, और उसके अलावा पूरी दुनिया से कई सारे देश उसमें शामिल हों और उनके यहाँ पे ये एक अच्छा आकर्षण का केंद्र बने। फेस्ट ऑफ फ्रेंड्स इंडिया 2017 और 18 अपनी वर्ल्ड मैप पे एक ऐसी नई चीज कायम करने जा रहे हैं जहाँ पूरी तरह से लोगों में भाईचारा, एक अंतिम दौर जिसमें हथियारों को लेकर जो ये हमारी जीवन में जो देशों में जो देश भावना फैली हुई है उसको दूर करके हम कुछ ना कुछ ऐसा